भाई के ऊपर तो जज करके कि भाभी हमारे जो है ना एकदम मस्त गोरी है दुपट्टा और ये कुछ रहा सिंगार। तो भाभी के जो रिलेशन वाले हैं ना बहन लोग तो वो लोग भी आए हुए थे, तो ये रहा भाभी के हाथों में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तभी सुबह का बज रहा है 7, आप सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, हम बिटिया रानी के कमरे में आ चुके हैं और उनका अभी निंदिया रानी नहीं खुला है और अभी जस्ट उनका तेल मालिश वगैरह हो चुका है। और हाँ गाइस, आप सब ने भर भर के कमेंट किया था कि हमारी बिटिया रानी को छठी में मम्मी पापा लोग की तरफ से क्या मिला है और भैया के दोस्त लोग से बाकी अगल बगल से लोग क्या मिला है। तो हम लोग उतना बड़ा फंक्शन नहीं बनाए थे, आप सबने ब्लॉग में देखा भी था, बट आप सबने इतना प्यार से पूछा है तो हम आज आपको वो सारे चीज दिखाएंगे। उससे पहले आपको मिलाते हैं हमारी क्यूट सी बिटिया रानी जो की बहुत अच्छे से स्माइल कर रही है और मस्ती भी कर रही है। और भाभी पहले से थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं, रीजन है क्योंकि छठी होने के बाद ना थोड़ा सा इधर घूम सकते हैं, वरना ये गुरु मतलब एक ही रूम में रह रहे ना पूरा बोर हो रहे थे वो, तभी उनको हम लोग बाहर मतलब रूम से बाहर लेकर गए थे, आप सबने देखा भी होगा। और पहले से तो थोड़ा सा बेटर है पर फिर भी पूरी तरह से ठीक नहीं है क्योंकि आप सभी जानते हैं सिजेरियन से बेबी हुआ है, तो इतना तो मतलब आसान नहीं होता है तुरंत सब चीज़ कर लेना रिकवर, क्योंकि रिकवर करने में कम से कम 6 महीने तो लगते ही हैं और मैं खुद अपने ऊपर आजमाई हूँ तो मुझे पता है कि कैसा फील होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं बिटिया रानी और भाभी जी क्या कर रही हैं। इधर देखिए हमारे लाडो, गुड मॉर्निंग बोल दो लाडो, प्यारी भाभी जी यहाँ पे। और दोस्तों अचानक ना ठंडा ना एकदम अजीब लग रहा है ना भाभी, पहले से लग ही नहीं रहा था कि ठंडा लगेगा। हाँ कल तक तो एकदम गर्मी था, पूरा गर्मी से परेशान थे और आज देखिए कि लग रहा है कि हल्का हल्का सिहरावन लग रहा है बाबू का सारा घर तक। क्या दीवा ये वाला दीवा, ये तो पूरा टूट गया है भाभी, जोड़ झाड़ के देखिएगा, जोड़े में नहीं करेगा। सोनू बनाया था, छोटा भाई कहता नहीं कैसे तो बना देता, हम लोग से हो ही नहीं रहा इसको। नहीं तो आप यहीं पे रहिए ना, कहाँ जाना है? ब्रश किए भाभी? वो ब्रश करके आते थे, कुछ लाते खाने उने के लिए, बोलिएगा ना। तो दोस्तों भाभी और गुड़िया रानी है यहाँ पे रेस्ट कर रही हैं, तो चलिए चलते हैं हम लोग किचन में क्योंकि किचन में करना है खाना बनाने की तैयारी। क्या करने जा रहे माँ? देखिए मम्मी राहड़ फटकने जा रही है, इसको मम्मी हल्का सा ताद कर दिया कि इसमें जो घुंडरा कहते हैं ना वो लग रहा था ना माँ, इसमें दाना लेकिन उतना अच्छा से नहीं है। छोटा छोटे के पछाड़ी फर वाला है, ओ पिछला फर ऐसा ही होता है। तो मम्मी का ये आज मिल गया सुबह सुबह ड्यूटी, माँ का कहना है कि जब तक तो बिटिया रानी लोग का फटाफट से ये सारा काम निपटा लेते हैं सुबह तो कर लेती है। हाँ वरना हम लोग बेबी को संभाल लेंगे फिर, मतलब कहते हैं घर में फिर मम्मी अकेले पड़ जाएंगे ना, फिर भाभी को भी देखना होगा, बेबी को भी देखना है, प्लस में सब घर दूरा खाना पीना हर चीज देखना होगा क्योंकि भाभी को तो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। देखे मम्मी सब भाग जाएगा। ये देखो बहुत टाइम लगे, हम सब ताप करना पड़ेगा, ये तो पूरा गुंडरा लग रहा है माँ, कब मिला था माँ जी छोड़ दिए थे बेटी? लड़की के तो मिलल है, इतना जल्दी लग गया ना बेटी, तो ना भून दे रहे हैं दुकान में कुछ काम था, फटाफट जा रहे हम कर देते हैं, भून रहे थे हम कटहल काटे, सिर्फ कटहल ही बनाना है ना। तो इधर देखिए ये खोले हैं फ्रिज और फ्रिज में कुछ सब्जियां भी है, प्याज का पत्ता भी दम देखिए अभी तक अच्छा है, ये प्लास्टिक में अंगूर है भैया इसमें से निकालते हैं, कटहल अभी भी देखिए फ्रिज में रखने के बाद ना अभी भी ताजा ही दिख रहा है। तो दोस्तों भी आ चुके हैं किचन में और इधर देखिए खराब खराब सारा रख रही है, और दूसरी तरफ इधर जो कटहल देखिए हल्का सा बॉयल हो रहा है, इसका कसापन निकाल लेंगे ना तब जाके सब्जी बनाएंगे कुकर में। और इधर देखिए कुछ खड़े मसाले जो निकाल लिए हैं, पहले इसको हल्का सा ना फ्राई कर लेते हैं खड़ा मसाला को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना सब्जी बनाने के समय ना थोड़ा सा मसाला कच्चापन लगता है, नया नया तरीका से बनाना चाहिए कभी सीखना भी चाहिए, तो इसीलिए
रोटी भी खत्म हो जा रहा है, आटा सान देते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो है ये देखिए प्याज का जो थोड़ा सा पत्ता बचा हुआ था ना, इस पत्ता को देखिए कैसे कट कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ भी सब्जी फेंकाता नहीं है क्या मम्मी? फेंकर लिया है सबसे। और ये वाला सब ना पत्ता बहुत कम मिलता है मार्केट में, जब भी मिलता है तो पापा ले आते हैं। इधर लहसुन देखिए, यहाँ हमारे घर तरफ देखिए देहात हल्का सा एरिया है ना, तो देहाती लहसुन भी एकदम उपलब्ध हो जाता है जल्दी, रांची मिलता नहीं है, मिलता भी है थोड़ा सा महंगा मिलता है। सब अपना अपना है, जैसे से बिलोंग करते हैं गांव से वो लोग तो और अच्छे से जान रहे होंगे गाइस। तो चलिए पहले इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं मसाला को। तो दोस्तों अभी किचन में रोटी बनाना हो चुका है शुरू। इधर बेल की कुछ रोटी रख ली, यहाँ पर बेलना ना बहुत अच्छा लगता है, जल्दी से बिलाया जाता है, और ऐसे चौकी में बेलने में थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। और इधर देखिए सर आटा गूंथ के रखे थे, फटाफट से रोटी बना लेते हैं, और टाइम हो चुके हैं जा रहे भाभी को नाश्ता भी देते हैं। इधर हम अच्छे से पनीर को हल्का सा फ्राई कर लिए हैं, और भाभी के लिए भी एक दो पीस बनाते हैं, एक पीस थोड़ा सा धीरे धीरे उनको सब चीज़ देने में डॉक्टर बोला है तो वो भी दे देंगे। और इधर हमारा रोटी भी हो गया है, कुछ रोटी इधर बन गया है, देखते हैं सीटी सीटी भी हो गया है। सो गाइस जो तेल लगाने आती है आंटी ना, उनके लिए मम्मी सारा सीधा बड़ी बोलते हैं उसको सब मम्मी निकाल रही है ये बोरा में। इधर मम्मी देखिए सगुन दे रहे हैं आंटी को, जो आंटी तेल लगाने आती है ना वही आंटी को, और साड़ी वगैरह सब चीज दी है। अब आप हमको से लड़िए, लेके खाइएगा और लेके खाइए, लेके जाइएगा, हम सब सवे लगते हैं खुश खाई भी पापा से देख के। आंटी बहुत ज्यादा हो गया समझिए, तो क्या की जाए, हां कि जितना है और हां पापा जी सब को हक दे, हां तो खुशी से हमरा साड़ी पहन के हंसी तो कहां दे थी, हां पहना के सुन ऐसा कैसा हो रहा है, आई बहुत टाइम मिलेगा दाची अभी मत तक बकाइए, हला के दादी जो पेट तीजो का घर में मिला ना ठीक है। आप अभी अब कम पीन के लिए साड़ी बहुत अच्छा है, लाट मारेगा ना अभी पड़ेगा मारवा की जीवत पापा। और कपड़ा के साथ साथ मम्मी कुछ पैसे भी दिए हैं साथ में, इधर देखिए हाँ सब उसमें है। चलिए फिर मौका है सब मत सोचिए, सो गाइस अभी दोपहर का टाइम है, और मम्मी जी देखिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन में दिन भर कपड़ा धोना ही रह जाता है, क्योंकि दो दो घर में बेबी लोग है ना तो सारे कपड़े हो जाते हैं। वो ऑन किए थे क्या माँ? और तो मम्मी यहाँ पे चढ़ाए थे, मम्मी को याद नहीं था, अभी हम बंद कर देते हैं क्योंकि लाइट यहाँ ना बहुत कम रहता है गाइस, और लाइट अगर ना रहे ना बहुत दिक्कत होता है, पानी का बहुत ही दिक्कत हो जाता है, तो पूरा भर गया जिसके लिए हड़ हड़ आवाज़ कर रहा है। तो चलिए हम आप सबको दिखाते हैं, हमने आपसे कहा था ना कि बेबी को जब भाभी का छट्टी हुआ था उसमें बेबी को क्या क्या मिला था, जिसके लिए देखिए भाभी जी यहाँ पे बैठ गई हैं सोफे के पास, और पहले से थोड़ा सा बेटर फील कर रही हैं, और आज जैसे नहा भी लिए हैं, खुद से भी नहाए हैं ना, तो थोड़ा सा हम सहारा दिए हैं, और अभी यहाँ पे हैं, और हमारी गुड़िया रानी है छोटे पापा के पास हैं, क्योंकि बहुत मतलब बहुत कम आँख अपना खोलती हैं ना, जिसकी वजह से भी सोनू को बहुत अच्छा लग रहा था, तो वहाँ पर खिला रहे हैं। ठीक है आप लोग जाइए। सो गाइस पूरी फैमिली यहाँ बैठ चुकी है, खास करके मम्मी और भाभी, क्योंकि जो सारा जितना जो गिफ्ट आया है ना सब भाभी और बेबी के लिए मिला है, हम तरफ से बहुत कोशिश रही है कि उनको बक्कू भी दे पाए, और आप सब हमारे ब्लॉग में देखे भी थे तो ये चीज कैसे पीछे रह सकता है, ये कुछ दीदी ने ओपन कर दिया है जो दीदी के यहाँ से मिला था, देखिए इतना सुंदर दीदी ड्रेस दिए है, और भाभी के ऊपर तो जचेगा क्योंकि भाभी हमारे जो है ना एकदम मस्त गोरी है, इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है इनके ऊपर। और ये नीचे का रहा, ये रहा दुपट्टा, और ये कुछ रहा सिंगार। कहा जाता है कि हमारे सुहागन और तो कुछ भी ऐसे खाली हाथ नहीं देना चाहिए, और इधर रहा हमारी गुड़िया रानी के लिए दीदी जो दिए हैं ये सुंदर सा फ्रॉक, अभी सब बड़ा होंगे तब बनेगा, और माँ और बेटी के साथ साथ बाप को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं तो दीदी ये दी है। और ये कुछ हमारे जो छोटा भाई है ना उनके दोस्त लोग आए हुए थे, हम लोग कुछ बहुत कम लोगों को बुलाए थे, क्योंकि रीजन है ना कि कोई आता है कि शादी वगैरह का फंक्शन है, और जैसे सबकी अलग अलग परंपरा होती है तो हमारे यहाँ सिंपल सा बस मनाया जाता है, फिर भी बहुत सिंपल सा में बहुत कुछ हो गया क्या जी। तो ये इधर रहा कुछ कपड़े जो कि मामू को दोस्त लोग सब लेकर आया था,
बहुत सुंदर ये ब्लैक, बहुत सुंदर ये ड्रेस है। और भी है गाइस, इधर देखो सुंदर सुंदर मस्त। लेकिन सारा बेबी को अभी नहीं बनेगा, जब वो बड़ी हो जाएंगे ना उसके बाद ही बनेगा। अब दिखाते हैं कि भाभी के मायके से भी कुछ सामान आया था और मम्मी लोग भी बहुत चीज दिए हैं। मम्मी लोग तो इतना सारा कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कुछ अलग से ही मम्मी लोग दिए थे, तो वो सब थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। और ये रहा हॉस्पिटल में दीदी कुछ कपड़े लिए थे, ये सारा कपड़ा है। और मासी लोग भी दीदी लोग भी है ना, तो भाभी के जो रिलेशन वाले हैं ना बहन लोग, तो वो लोग भी आए हुए थे मिलने के लिए, तो वो सारे कपड़े थे तो अभी रखा हुआ था। इसलिए हमने आपसे कहा था कि हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें क्या क्या गिफ्ट में मिला था। ये रहा साड़ी, ये साड़ी मम्मी दिए थे ना, ये भाभी के मायके से आया है साड़ी, जो की बहुत ही सुंदर है। देखिए कैटलॉग भी लगा हुआ है और जो साथ सारा सिंगार वगैरह का भी सामान था, तो अभी घर में जानते हैं कि सामान वामान रह जाता है। और क्या भाभी बिछिया मम्मी, अच्छा माँ की तरफ से बिछिया भी आया था, तो भाभी ने कहा बाहर रखा गया सब सामान वामान है। और इधर करते हैं फाइनली ओपन। ऐसे भी आप तो मेरे ब्लॉग में देख ही लिए हैं कि हमने क्या क्या भाभी को दिया था, बट भाभी को लेकर हम अच्छे से नहीं देखे थे। दीदी फिर से दिखा दीजिए, तो वो चीज हम दिखा दे रहे हैं फिर से। ये देखिए ये रहा साड़ी, साड़ी के साथ ये रहा सारा श्रृंगार का सामान। ये देखिए हमारे प्यारे भाई पे कैसा लगेगा ये कलर, बहुत अच्छा है, मस्त है ना। और साथ में भाभी के लिए लाए थे, तो भैया के लिए कैसे छोड़ सकते हैं। तो इधर देखिए भैया के लिए भी ला दिए थे शर्ट पैंट का कपड़ा, ये देखिए। और बचता है हमारी प्रिंसेस रानी के लिए, उनके लिए भी तो कुछ बनता है ना गाइस, आप सभी जानते हैं हमारी गुड़िया रानी सबसे प्यारे, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमको दौड़ कर यहाँ पे आए हैं, इतनी बड़ी खुशी हमारे घर में आई है। ये और भी कुछ कपड़े हैं ना, ये माँ दी थी, इसमें सब सब पैक हो गया है इसमें। तो ये देखिए हम लिए थे अपनी प्रिंसेस के लिए, कैसा है भाभी, बहुत अच्छा है, ये इधर का डिजाइन है, ये रहा। तो अब बनता है बेबी के लिए कुछ छोटा सा गिफ्ट, जो कि मेरे तरफ से था बेबी के लिए नहीं, अभी बेबी के माँ के लिए लेकर आए हैं। कभी ऐसा समय मिलेगा तो मैं बेबी के लिए भी लेकर आऊंगी। तो ये रहा भाभी के हाथों में, ये देखिए, भाभी को ये कान का हम लोग पहना देंगे क्योंकि छोटा है ना, तो इनके ऊपर अच्छा भी लगेगा। और इनके अगर सारे नहीं है कि रेगुलर यूज करेंगे तो इनको अच्छा भी लगेगा, कैसे भाभी देखिए, भाभी सिंपल सिंपल जिसके ना सब कहती है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। बट आप सब बताइए कि हमने जो भाभी के लिए छोटा मोटा जो गिफ्ट दिया है वो कैसा है, दीदी की तरफ से जो गिफ्ट आया था कैसा है, और नानी की तरफ से आ गया, और मम्मी का पूरी तरह से सारा मम्मी का ही है गिफ्ट। मम्मी को नींद लग रहा है, हाँ मम्मी को नींद आनी आ रही है। तो गाइस बस यही था सिंपल सा हमारा गिफ्ट अनबॉक्सिंग, जो आप सबको पसंद आया होगा। मैं पार्ट 1, 2, 3 तो नहीं बना सकती क्योंकि सिंपल सा ही था, हम लोग मनाए थे, उसमें बहुत ज्यादा खुश हैं और भाभी भी पहले से बेटर फील कर रहे हैं। तो अब हम लोग भी यहाँ आ गए, अब हम लोग का जाने का भी प्लान है, देखते हैं किस दिन निकलते हैं यहाँ से। और हमारी गुड़िया देखिए कितना मस्ती से सोई हुई है, इधर देखिए मस्त उंगली लेके एकदम चूसते रहे हैं, अभी देखिए हाथ कैसे हटा दिए, ये देखो छोटा वाला भाई बाबू पे से घुमाया जा रहा है। तो अभी भाभी छोड़ दीजिए, हम सारा समेट के रख दे रहे हैं।